वहीं दौसा जिला मुख्यालय पर सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल सांसद किरोड़ी मीणा गत कई दिनों से राजनीति में अचानक फिर से सक्रिय भूमिका में, तो वहीं शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर एक बुजुर्ग की मौत मामले में प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच सेतु की भूमिका निभाकर आंदोलन को समाप्त करवाया था और इसके बाद समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया। इन्होंने प्रशासन को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन के नाम ज्ञापन भी सौंपे। केंद्र कानून लाया पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए, वो भी राजीव गांधी के समय। उन पंचायतों के अधिकार राज्य सरकार ने छीन लिए, वित्तीय अधिकार, तो वो बहाल हों। और VCR के नाम पर पूरे राज्य में उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है, भारी भ्रष्टाचार मच रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारा अभियान है। एक जो अपना पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में किसानों को 1,08,00,00,000 की सब्सिडी दी थी, जिसे इस सरकार ने बंद कर दिया, वो सब्सिडी चालू हो।